विंडीज के खिलाफ आखिरी वनडे में विराट ने तोड़े कई बड़े रिकॉर्ड्स, इन दिग्गजों को छोड़ा पीछे। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में अपने वनडे करियर का 43वां शतक लगाया। विंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में विराट का यह लगातार दूसरा शतक है। उन्होंने सीरीज के तीसरे व आखिरी वनडे में 99 गेंदों में 14 चौके की मदद से 114 रन का नाबाद पारी खेली। विराट ने ये शतक 94 गेंदों पर पूरा किया। इससे पहले उन्होंने अपना अर्धशतक 48 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से पूरी की थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे क्रिकेट में विराट का यह 9वां शतक था। विराट कोहली की शानदार शतकीय पारी और श्रेयस अय्यर की 65 रन की बदौलत भारत ने वर्षावाधित मैच में डकवर्थ लुइस नियम की मदद से विंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। विराट को मैन ऑफ द मैच के साथ साथ मैन ऑफ से सीरीज भी चुना गया। इसके साथ ही उन्होंने अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज किए। आइए जानते हैं उन रिकॉर्डों के बारे में। किसी एक टीम के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में विराट कोहली ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली। सचिन ने वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 9 शतक लगाए थे। विराट ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये कमाल किया। हालांकि सचिन ने कंगारू टीम के खिलाफ इतने शतक 70 पारियों में लगाए थे, वहीं विराट ने सिर्फ 35 पारियों में ये कमाल किया। यानी पारियों के मामले में विराट ने सचिन को काफी पीछे छोड़ दिया। वनडे कप्तान के तौर पर विराट कोहली ने 21वां शतक लगाया। अब इस मामले में उनसे आगे सिर्फ रिकी पोंटिंग हैं, जिनके नाम पर वनडे कप्तान के तौर पर 22 शतक है। पोंटिंग ने 220 पारियों में कप्तान के तौर पर 22 वनडे शतक लगाया था, जबकि विराट ने 76 पारियों में ही 21 शतक लगा दिए। विराट कोहली वेस्ट इंडीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। विराट से पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हेडेन के नाम पर था। अब विराट उनसे आगे निकल गए हैं। ये विराट का वेस्ट इंडीज में 4वां वनडे शतक था। उन्होंने हाशिम अमला व जो रूट को भी पीछे छोड़ दिया।